कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ प्राइम टू का मास्टर प्लान लॉन्च हो गया इनफैक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ टू कंप्लीट का मास्टर प्लान लॉन्च हो गया और मास्टर प्लान में जो प्राइम टू है वो मेरा सबसे फेवरेट ब्लॉक है वो क्यों है इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरसीज़ वेस्ट से अच्छा कोई ब्लॉक नहीं है पिछले ब्लॉक से कंपेरिजन करें और नए ब्लॉक से कम्पेरिजन भी करें तो वेस्ट की सबसे प्यारी लोकेशन है मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो मैंने वेस्ट के वाले से बताई थी लेकिन प्राइम टू में ऐसा क्या खास है कि मैं कह रहा हूँ यार मेरा प्राइम टू फेवरेट है उस इस वीडियो में डिटेल्स से एक्सप्ल करूँगा और आपको जो वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह आइडिया हो भी जाएगा कि प्राइम टू क्यों इतना फेवरेट बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल के जो प्राइम टू ब्लॉक है इसमें जो प्लाट्स हैं वही पांच सात दस बारह मरला कनाल के प्लाट्स थे और इसके अलावा दो कनाल के प्लाट्स भी थे कुछ और कुछ कमर्शल प्लाट्स थे लेकिन इन जनरल प्राइम टू की लोकेशन की अगर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका डेडिकेटेड इंटरचेंज है Uh, मैंने इस मैप में ट्राई किया कि जितना प्रिसाइसली मैं चीज़ों को मैयर कर सकूँ उतना प्रिसाइसली मैयर करूँ फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपका फ़ेज़ वन है तो इस आपको लूप से आइडिया हो जाएगा जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंटरचेंज की एग्जैक्ट लूप मैच करती हैं जहाँ पे ये ब्रिज है जहाँ पे ये आ, आपका टॉल बूथ है उसके साथ साथ आपका अपोजिट साइड पर है तो हर एक चीज़ अपनी जगह प्रिसाइस है तो आपको एग्जैक्टली exactly आइडिया हो जाएगा कौन सा एरिया कैसा है लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोकेशन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में इस पॉइंट से मैक्सिमम टाइम जो लगेगा मैं पास ड्रॉ करके देख लेता हूँ यहाँ से कितना टाइम बनता है अगर आप जो आउटर बाउंड्री रोड है वहाँ से प्राइम टू की तरफ आते हैं तो 2.7 किलोमीटर दैट इज़ नथिंग ठीक है मतलब 2.8 किलोमीटर दैट इज नथिंग अगर आप बाउंड्री रोड से आते हैं अगर आप 400 सौ फुट रोड से आते हैं प्राइम टू की तरफ तो अराउंड 3.48 किलोमीटर क्योंकि ये लूप लेके आता है उसके अंदर से होकर आता है अच्छा अगर आप थर्ड पॉइंट यानी कि यहाँ से एंटर होने के बाद आगे जाके जो मेन बोलेवर्ड है वन फीट वाइड इससे आगे आगे लेफ्ट लेते हैं तो प्राइम प्राइम टू की तरफ जो आपकी एक्सेस बनती है इंटरचेंज के पॉइंट से अगर आप ट्रैवल करते हैं टूअर्स तकरीबन वही थ्री पॉइंट फोर किलोमीटर का अब बेस्ट ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्राइम टू में रहते हैं तो आपको रहेंगे आगे फ्यूचर में जाके तो आप आउटर बाउंड्री रोड जो है ये इस्तेमाल करें इससे आप तकरीबन पौने तीन किलोमीटर के फासले हुए प्राइम टू में एक्सेस ले लेते हैं अब आते हैं जी प्राइम टू के चार साइड्स पे प्राइम टू के चार साइड्स की बात करें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे तो नॉर्थ साइड पे इसके ओवरसीज वेस्ट है ईस्ट साइड पे इसके जो है वो आपके मोटर वे एम टू है उसके अपोजिट साइड ओवरसीज सेंट्रल है वेस्ट साइड पे अगर बात करें तो वेस्ट साइड पे इसके तो ऐसा कुछ एरिया नहीं है बट यहाँ पे एक्चुअल में डीएचए एच ए के प्रमिसे बनती हैं अगर हम बात करें साउथ साइड पे तो इसके एक्जेटिव वेस्ट का एरिया है अच्छा ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है सारा पांच मल्ला के विला ये एक्जेक्टिव पांच मल्ला के जो प्लॉट्स हैं जो विलाज के लिए रिजर्व है ये सारे के सारे प्लॉट्स हैं ये डी एच बाउंड्री के साथ हैं यहाँ से आगे डीएचए की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है जो आपको मेन बुलवर्ड नजर आ रही है इससे आगे सारी नीचे लैंड ब्राउन भी आपको नजर आ रही है ये डी की लैंड है सारी ठीक है और इससे आगे अब डी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 12,500 एकड़ पे आ रहा है यानी कि एक लाख कनाल पे और जो बाद में आगे जाकर एक्सपेंड भी होगा बट वो एडवांटेज जो ओवरसीज वेस्ट को हासिल है वो डी को भी हासिल नहीं है द रीजन बींग दिस माउंटेन अभी आपको ग्राफिक्स में तीन ज्यादा बड़ी माउंटेन नहीं लग रही होगी बट पिस अगर देखें तो इस्लामाबाद मंडी में दो ही माउंटेन रेंजेज हैं फर्स्ट ऑफ तो ऑल मार्गला हिल सेकंड इज करीमोरत रेंज नेशनल पार्क है तो इस प्लॉट का वही डिस्टेंस ऐसे बनता है जो एफ सिक्स का बनता है मार्गला हिल से तो आप इमेजिन कर लें एफ सिक्स में दो कनाल घर आपको कितने का मिलता है अराउंड वन ट्वेंटी फाइव करोड्स का तो आप इस साइड लगाते हैं किस तरह का है फर्स्ट ऑफ तो ऑल आप आते हैं जी सेक्टर ए पे ओवरसीज प्राइम टू के सेक्टर में बात करें लोकेशन की प्रेफरेंस करें तो कौन सा प्लॉट है जो मैं कहूँगा यार कि आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा यार प्लॉट को लाजमी कंसिडर करें अच्छा ये जो डार्क बॉक्सेज हैं ये बेसिकली विलास के प्लॉट हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं शुरू में तो अगर हम लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे कनाल के पॉइंट से ये सबसे अच्छे प्लॉट्स बनते हैं आप एंट्री के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं प्राइम टू के जो कनाल के प्लॉट्स हैं वो ये वाले एरिया में बनते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इन प्लॉट्स की लोकेशन जो सारी प्लेन लैंड है मोस्टली ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है चले खैर आगे बी ब्लॉक की तरफ जाते हैं इस चार सौ फुट रोड के साथ सोसाइटी का मेगा कमर्शियल है जो कमर्शियल नेबरहुड होगा इसके आगे जाके फिर आगे बी ब्लॉक तक जाते हैं तो बी ब्लॉक के अंदर एलिवेशन देखें तो तकरीबन सारी एलिवेशन सेम ही है मास स्ट्रीट्स के अब एक्चुअल नीचे ग्राउंड पे देखते हैं क्या है इनके ग्राउंड पे नीचे ये थोड़ा सा एरिया एलिवेटेड है यस आपको स्लोप नज़र आ रही होगी यहाँ से ना ये नीचे की तरफ स्लोप जा रही है मतलब यहाँ से नीचे स्लोप स्लाइड कर रही है देखें ये वाला एरिया सारा और ये वाला सारा एरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर है तो मेरा ख्याल है कि ये वाला पार्ट जो है दस मरला के पॉइंट से दस मरला के पॉइंट से सेक्टर बी का ये वाला जो पार्ट अच्छा बनता है उसके अलावा फिर सेकेंडली आपकी ये ये लोकेशन हो गई और ये रोड बनता है आपका स्ट्रीट नंबर टू एंड स्ट्रीट नंबर लेन नंबर वन और स्ट्रीट नंबर थ्री भी बारह मरला में और दस मरला में ये स्ट्रीट जो है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमल अच्छी स्ट्रीट है तो इनको आप प्रेफर कर सकते हैं अच्छा सी ब्लॉक में आते हैं तो सी ब्लॉक के अंदर वही जो शुरू वाले पार्ट हैं शुरू वाली स्ट्रीट हैं जो मेन रोड के साथ पीछे चार फुट के पीछे वाली सोसाइटी ने इस दफ़ा चार फ़ुट रोड के ऊपर भी सोसाइटी ने सॉरी एक फुट रोड पर भी दस मरला प्लाट्स रखे हैं आई थॉट ये चार फुट रोड है बट ये जो ये दस मरला प्लाट्स हैं ये भी जाहिर सी बात है इनकी एलिवेशन बहुत अच्छी है ये आप देख सकते हैं सेक्टर बी और सेक्टर सी के जो मेन रोड के ऊपर प्लॉट्स आते हैं सारे प्लॉट्स अच्छे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास ऑप्शन हो सलेक्ट करने का तो यहाँ पर लाजमी कंसिडर कीजिएगा अच्छा नेक्स्ट इज अच्छा नीचे आपको ये जो लाइनें नज़र आ रही है ना बेसिकली कच्चा रास्ता है जहाँ से ट्रक्स वगैरह गुजरते हैं तो ये वो वाटर बॉडीज़ नहीं है वाटर बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं जैसे आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी जैसे ये देखें ये वाटर बॉडी के साथ ये वाटर बॉडी आ रही है ठीक है जस्ट फॉर के मैंबर अगर ये सवाल पूछें अच्छा डी एस सी ब्लॉक में आ जाएँ सी ब्लॉक में आपकी वही बात है सात मरला और दस मरला के प्लाट्स हैं मेन रोड वाले प्लाट अच्छे हैं बाकी सारे प्लाट तकरीबन तो लेवल हैं और इन स्ट्रीट्स के साथ एडजस्ट जो प्लाट्स होंगे इसको थोड़ा प्रेफर ऐस मत करें एज कम्पेयर टू किसी और चीज़ के ये ज़्यादा सी बात है नरम नरम जमीन होगी ये वाली कटिंग वाली लैंड है तो यहाँ प्रेफर कीजिएगा आते हैं डी ब्लॉक पर तो डी ब्लॉक में सारे प्लाट जो हैं तकरीबन एक ही एलिवेशन पर हैं कोई ऐसा डिफ्रेंस नहीं है बड़ा और कहीं कोई आबादी का कंसेप्ट नहीं है सिर्फ यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं यहाँ पर कुछ घर हैं पाँच मरल वाले ब्लॉक में ये कुछ घर हैं ये कुछ घर हैं ये मुझे लग रहा है जिस तरह सेक्टर जी ओवरसीज ईस्ट का था उस तरह कुछ घर लेटेस्ट स्टेज में जाकर मसला ना बन जाए लेट्स ये किस तरह चीज़ें अनफोल्ड होती हैं अच्छा खैर अब मुझे जी प्राइम टू क्यों पसंद है एज़ कम्पेयर टू बाकी किसी ब्लॉक के भी जो एज अभी न्याया मैप देखा है मैंने उसकी रीज़न है जी प्राइम टू की आपके अक्रॉस दी बोर्ड जैसे प्राइम वन में आपको हर एक स्ट्रीट जो है ना वो पचास फुट की मिलती है ना वहाँ सात मरला में जाके फिर चालीस फुट हो जाती है यहां पे कोई स्ट्रीट भी आपकी 40 फुट की नहीं है जो लोग कह रहे थे कि यार ओवरसीज वेस्ट को डेढ़ लाख सस्ता लॉन्च किया गया है प्राइम टू में प्लॉट था पांचवें लगा साढ़े इकतीस लाख का और ओवरसीज वेस्ट में प्लॉट था उनतीस लाख नब्बे हजार यानी तीस लाख रुपए का तो डेढ़ लाख सस्ता लॉन्च किया गया तो लोग कहते हैं यार कि वहां सस्ता लॉन्च किया है हमें पहले बेचा है लेकिन महंगा बेचा है उनको सोसाइटी ने एड्रेस किया हर एक प्लाट जो है ना कोई प्लॉट भी आपका पचास फुट रोड से नीचे नहीं है क्या पाँच क्या सात क्या दस क्या बारह क्या कनाल कोई प्लॉट आपका छोटे साइज़ का नहीं है एग्जाम्पल के तौर पर आप लेन लेनमान पर देखें सारे प्लॉट ये जितने ब्लॉक ए है सारे प्लॉट पचास फिट रोड पे सेक्टर बी में आ जाए सारे के सारे प्लॉट आपके दस मतलब पाँच सत प्लॉट सारे के सारे आपके ये बड़े रोड पे पचास फुट रोड पे सेक्टर सी में आ जाए सात मरला का प्लॉट सारे प्लॉट पचास फुट रोड पे अब पांच मल्ला प्लॉट पचास फुट रोड पे हो तो आपने कभी इससे पहले तो खैर ओवरसीज ईस्ट में ओवरसीज सेंट्रल ओवरसीज प्राइम वन एग्जैक्टिंग में तो नहीं, नहीं देखा यहां पे पांच मल्हला भी सारे के सारे जो हैं वो पचास फुट रोड पे हैं यहाँ सोसाइटी ने शुक्र है साढ़े तीन मल्ला ने डाले वरना वो भी पचास फुट रोड पे होते तो ये बहुत ही अच्छी बात है यानी कि उन मेंबर्स के लिए जिन मेंबर्स ने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और प्राइम टू में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या प्राइम वन का उनका नॉन बैलेटेड प्लॉट है अगर वो यहाँ मूव करते हैं तो उनको हर एक साइज जो है वो बेसिकली पचास फुट रोड पर एलोकेट होगा पचास फुट रोड का मतलब ये होता है कि ये बीच में आपको एक घर से लेकर दूसरे घर का डिस्टेंस पचास फुट रोड और ये बहुत वाइड रोड होता है जिसकी बड़ी एग्जाम्पल है आप जाके ओवरसीज प्राइम वन की स्ट्रीट देख लें तो ऐसी स्ट्रीट्स आपने कहीं नहीं देखी होंगी पचास फुट की क्योंकि आमतौर तौर तो पर लोग क्या करते हैं पचास फुट रोड में क्या करते हैं बीस फुट बीच में कारपेटिंग कर देते हैं और पंद्रह पंद्रह फुट घर के सामने छोड़ देते हैं सोसाइटी तीस फुट कारपेटिंग करती है और दस दस फुट घरों के सामने छोड़ती है तो रोड बहुत वाइड फील होती है यानी कि तीन बड़े ट्रक्स यानी जो डंपर होते हैं वो ईजिली बाईपास कर सकते हैं क्रॉस कर सकते हैं तो उस लिहाज से ये लोकेशन बहुत अच्छी हैं तो सारे प्लॉट्स को यहाँ पर रखा गया बेशक इनको एंड रखा गया चार सौ फुट रोड से एडजस्टेंट है चार सौ फुट कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लॉट से लाजमी अटैच होता है तो ये आप उन मेंबर्स के लिए बेनिफिट है एक तरफ एक सौ फुट रोड है इस ब्लॉक के प्राइम टू के बात करें रोड नेटवर्क की 400 फुट रोड है अस्सी एक सौ फुट रोड है साठ फुट रोड है और 50 फुट रोड है इससे छोटा कोई रोड यहाँ पे लोकेट नहीं करता तो ये थी जिन मेंबर्स के पास प्लॉट हो प्राइम टू के और सेलेक्ट करना चाहें तो किन चीज़ों को कंसिडर करें तो इन चीज़ों को लाजी मद्देनज़र रखें आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी तो बिकॉज दिस इट फॉर टू अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले से कुछ मालूमा चाहिए दिए गए नंबर पर प्राप्त करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज